गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज है संडे मॉर्निंग और कुछ सुबह घर से 5 बजे निकले हैं और अभी कुछ एहरोली टोलनाका क्रॉस किया है और आज का राइड है बारवी डैम। और मेरे साथ पिलियन है। हे गाइस, तो कुछ 72 किलोमीटर्स का राइड है। विजिबिलिटी बहुत कम था, मॉर्निंग राइड था इसके लिए। सो अभी मस्त चाय पी के अभी जा रहे हैं एरोली क्रॉस करके। अभी तो कुछ 50 भी नहीं रहेगा किलोमीटर्स। लेट्स सी, एंजॉय द राइड। सी यू इन बारवी डैम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. वी आर एट बारवी डैम। कुछ 2.5 घंटे लगे ट्रैवलिंग था। अच्छा खासा था, रोड बहुत सही थे। बीच में थोड़े बहुत पैचेस थे, खराब रास्ते। व्यू देखो, बहुत सही डैम दिख रहा है। लास्ट तो गाइस, बहुत सही जगह है एक्चुअली। मैं तो यही कहूँगा, एक बार विज़िट कीजिए। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद तलक ये जगह, बट सिर्फ यही कहूँगा, अगर आ रहे हो तो कचरा ना ही करें। मतलब लोग आते सब कचरा वचरा फेंक के जाते हैं और फिर ख़राब कर देते हैं जगह। सो ट्राई टू कम एट दिस प्लेस, एक्सप्लोर द प्लेस, इट इज़ ब्यूटीफुल वन। मानसून में आना चाहिए था एक्चुअली, मानसून में नहीं आए। लेट्स सी, नेक्स्ट ईयर मानसून में भी आएंगे। अभी तो यही एक छोटा सा राइड था, शॉर्ट। सो एंजॉय द व्यू और फिर मिलते, कुछ और थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लोर करना है।
गाइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड आए थे, पूरा जंगल साइड है ये, ऐसे ही पूरा जाने का है, कुछ 10 to 15 minutes का है रास्ता। अच्छी अभी अंदर शायद लेक है, मतलब जो क्विक शिफ्टर अपने जो मिले थे ना वो भी यहाँ पर ही थे, तो उन्होंने कहा कि अंदर लेक है। हम यहाँ पर आए तो है लेक के यहाँ पर, सो यहाँ पर एक और मतलब यहाँ के अपने दोस्त का नाम विनायक, सो विनायक हमें मिले थे और वो एक उनका लास्ट एक्सपीरियंस एक बता रहे थे यहाँ पर आए थे। सो यहाँ पर एक्चुअली है ना टाइगर्स का थोड़ा खतरा ज़्यादा है, बंगाल टाइगर्स का और इन्होंने देखा था। सो क्या बता सकते हैं सर क्या हुआ था? तो हम लोग एक रेस्ट के लिए शेल्टर में रुके थे, रोड साइड शेल्टर बांधे हुए हैं हर जगह पर, तो रोड साइड शेल्टर में खड़े थे हम लोग, तो सो एक कुत्ती आई वहाँ पे, जैसे हम लोग बिस्किट वगैरह डालते हैं, तो हमने अकल दिया पहले तो, थोड़ी देर के बाद वो आके हमारे सामने खड़े हो गए शेल्टर के सामने जंगल की दिशा में, तो वहाँ पे वो देख के कुछ झाड़ियों में कुछ देख के रुक गई और उसका पैर शेक करने लगे थे। टॉकिंग अबाउट द डॉग सो उसका कांपना मेरे को दिखा पर मैंने उसको इग्नोर किया। मेरी वाइफ बोली कि देखो वो कुत्ती कैसे कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। मैं बोला कोई रहेगा जानवर वहाँ पे, सांप वगैरह रहेगा तो वाइब्रेट कर रहा है वो, ठीक है मैंने इग्नोर किया वापस। और अगेन उस पर फोकस किया तो देखा वो शेक कर रहा है, उसके एकदम बगल से आगे बाजू में टाइगर दिखा मेरे को। सो गाइस मतलब 10 meters का अंतर, 10 meters, ओनली 10 meters। सो गाइज मतलब देखिए वन जंप, मतलब थोड़ा उन्हें लकीली उन्हें वो सस्पिशियस लगा और फिर वरना फिर तो उनके साथ वी जस्ट वॉक थ्रू, वी कांट गो एनीवेयर। करेक्ट, एवरीथिंग इज पैक्ड। बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था ये, एवरीथिंग इज पैक्ड, वी कांट गो एनीवेयर, सो वी जस्ट डू दिस वॉक लाइक फ्रंट साइड, मतलब उसको पीठ नहीं दिखाना है अपन ने कभी भी। मेरी वाइफ बोली भागेंगे अपने यहाँ से, भागना गलत है क्योंकि एक जंप का डिस्टेंस था खाली। करेक्ट, एक जंप के डिस्टेंस पे हम लोग थे, तो वाइफ बोली भागना, मैं बोला भागना नहीं, बंगाल टाइगर है, इसको फेस दिखा के चलना है अपने को, यहाँ अपन ने पीठ दिखाई वहाँ उसने जंप मारे, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा ही रिस्की था। हम लोग अब साइड वॉक करके आराम से साइड वॉक करके मीन्स लाइक दिस, या सो लाइक दिस, वो मतलब उनके लाइक दिस विदाउट एनी वॉइस एकदम शांत। करेक्ट। सो गाइज मतलब वो उनके रोड से, वो टाइगर के रोड से साइड में हो गए थे। बट देखिए गाइज मतलब क्या लक था, मतलब हो सकता है कि किसी की दुआ मान गई होगी। हाँ वो भी मैं रोज अभी जो फेरी मारता हूँ यहाँ पे ना, बिस्किट्स लेके आता हूँ हर एक कुत्ते के लिए, जिधर कुत्ता देखा वहाँ बिस्किट डालता हूँ मैं।